आजी हमें माने बहुत सहज उपाय रे बिना प्याज रसुण रे मिक्सचर तरकारी बा छांक तरकारी बने के रेडी करबा जहार स्वाद बिल्कुल मंदिर पर लागिबो। आ ए मिक्सचर तरकारी को आपण जहा को भी सर्व करबे केही भी जानी परबे नि जे एटा आपण घरे बनै छथिं बोली। नमस्कार, मु लक्ष्मी, रोसई विथ लक्ष्मी रे आपण माने को अनेक अनेक स्वागत। रेसिपी टी स्टार्ट करबा पूर्वरु जदि आपण माने मो चैनल ले नुवा तेबे फटाफट मो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सिलेक्ट करि नियंतु। एई स्वादिष्ट वेज मिक्स तरकारी बनेबा पई प्रथमे त हमको किछि परिबा दरकार, तो परिबा रे एई प्रथमे मु नै छि किछि कखारु जहाँ को केमती छोट छोट काटि नै छि, ता सहित एटी किछि छुई नै छि, किछि गाजर एवं किसी फूलकोबी, ता सहित किसी बीन्स, आ सहित गोटे मीडियम साइज़ रो आलू, आईटी नहीं किसी ग्रीन मटर, आ सहित ये मुझे खंडे कदमी आईटी नहीं खंडे माटी आलू। कदमी और माटी आलू को काटला परे हलदी पानी ये भिजे की रखी जहाँफल कि यहाँ कला पड़े ना। ये आप चाहिए पोटल आंकड़ आड करेंगे, ना आपको जो पर पसंद नुहे से स्कीप करेंगे। बस एबे हमर परिवार रेडी हो जाए, चलते एवं गोटे मसला रेडी करी नबा। मसला रे एटी मु नेची किछि फ्रेश नड़िया जहाँ एमती छोट छोट काटि नेची, ता सहित दुई रु तीन खंड डालचीनी, दस रु बारटी गोलमरीच, आईटी दुईटी ग्रीन गुजराती, ता सहित गोटे इंच रही अदा जहाँ को किमती छोट छोट काटिकी रखी, ता सहित ये दस रु पंदर टी फाड़ काजु, आईटी मुझे दुई चमच चारुमगज। आपन चाहिए ये पोस्त नहीं पारे, ता सहित ये टे बहुत बड़ा फ्लेवर आने मसलार ये मुझे दस रु बारटी भृसंग पत्र, आबे ये नहीं गोटे मीडियम साइज़ रा टमाटो जहाँ को एकदम छोट छोट काटिकी रेडी करी नहीं। आम गोटे मिक्सर जार नवा रखि भृसंग पत्र को से मिक्सर जार मध्यदे, आम बाकी सब मसला कोईद, बाकी सब मसला को दे सारापर आम काटिकी रखि टमाटर अधा भाग ही ये मिक्सर जारे दबा, आधा भाग आम पर यूज करवा। एबे सब जिनस गोटे चिकन पेस्ट बनईकी रेडी कर नवा। ये देखो मसला को बहुत भल भाव चिकन करके ग्राइंड करके रखि नवा। चलते जा कुकिंग प्रोसेस को, तो एपटे प्रथम मुझे गोटे कड़ई गरम करदेगी अध छोट गिना पखापाखी रिफाइन तेल, तेल आम भलसे गरम होगला ये मुझे 250 ग्राम पनीर को एकदम एमती छोट छोट काटिकी रखी, तो ये पनीर को देद, पनीर को दे सारापर पनीर को आम गोटे पट साइड हल्का टिके गोल्डन हाँपी छाड़ीद, पनीर आम गोटे पट साइड भलसे गोल्डन होगापर आम एम हाल्का हाथ ओल्टे कि आरपट साइड को मध्य पनीर र गोल्डन करके भाजी नवा। पनीर को आप आड कला बेले गोटे कथा को ध्यान रखिए, तेल आम भल भाव गरम है कि पनीर आप आड करेंगे देखिए पनीर बिलकुल भी भांगे ना। ये देखो पनीर आम दुईपट सैड रु बहुत भल भाव गोल्डेन हो भाजी होगला, तो ये आम पनीर को बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखि नवा। तो ये मिक्सर तरकारी आपण मैंने बिलकुल भी पनीर को बेस कड़ा करके भाजबे ना, पनीर एमती हाल्का हाल्का कंचा और हाल्का हाल्का गोल्डेन हो भाजी हेले खाइबा को बहुत ही स्वादिष्ट लगी थाए। पनीर को भाजी सारापर आम से बड़का तेल में एवं काटिकी रखि कोबी को देद, कोबी को दे सारापर कोबी को टी एम सैड कर नवापर काटिकी रखि आलू एवं गाजर एवं सजना छुई, ता सहित काटिकी रखि बीन्स कोईद। ये सब जिनस को आम गैस फ्लेम को हाई रे रखिकी हाल्का हाल्का लाइट गोल्डन होगा पर्यटन भाजी नवा। आपण चाहिए सब पर अलग अलग भाजी पारे, किंतु एमती भाजवा द्वारा कौन हम ना बहुत जल्दी यहाँ भाजी हो, ता सहित आम तेल आ समय भी बंची। ये देखो ये सब जिनस भल भाव गोल्डेन होजी होगला, तो युवाक आम बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखि नवा। ये सब कु काढ़ी सारापर एवं कौन करवा ना से बड़का तेल में आम काटिकी रखि कदमी आटी आलू को देद, कदमी आटी आलू को आप अलग ही भाजबे कहीं मटी आलूटा लाड़ुआ थाए से आपको अलग ही भाजबे। ये देखते कदमी आटी आलू को हाई फ्लेम रे किसी समय भाजला, कदमी आटी आलू आम भल भाव क्रिस्पी होगी भाजी होगला, तो ये कौन करवा ना आम आपको बाहर करके गोटे प्लेट मध्य रखि नवा। तो देखिए मिक्सर तरकारी कदमी आटी आलू को आपड़ी एमती क्रिस्पी करके भाजबे ना, तो पनीर ठार भी खाइबा को आहरी स्वादिष्ट यही मटी आलू और कदमी ही लगे। कदमी आटी आलू को काढ़ी सारापर एवं आम काटिकी रखि कखारु को देद, कखारु को हाई फ्लेम गोल्डेन करके भाजी नवा। तो आपण मैंने कखारु को सब लास्ट ही भाजबे कहीं कखारुटा बहुत जल्दी कुक हो जाए,
तो ये देखु किसी समय पर कखारु भी आम भल भाव गोल्डेन हो भाजी हो गला तो ये कखारु को काढ़ी गोटे प्लेट मध्य रखिन एबे आम ये बड़का तेल देद अध छोट चमच गोटा जीरा ता सहित ये मुझे गोटे तेजपत्र को एमती तीन खंड करके आड करद गोटे रु दुई पिंस हिंगु जीरा को टी फुटला पर्यटन भल भाव भाजी ना आ जीरा आम भल से फुटिगला एमें ग्राइंड कर रखिता मसला सबको देद मसला दे सारापर या बास टे हाल्का मिक्स कर ना ना कौन हाँ जीराटा आम तलु बेस पोड़ब तो ये आम काटिक रखि बड़का टमाटो को सहित आम रखि ग्रीन मटर कोईद ग्रीन मटर दे सारापर एमेंद गोटे चमच लुण बा स्वाद अनुजाई लुण अध छोट चमच देद हलदी गुंड ता सहित गोटे चमच देद लंका गुंड गोटे चमच देद धनिया गुंड ता सहित अध छोट चमच देद जीरा गुंड एबे सब मसला को टिके बहुत भल भाव मिक्स कर नबा मसला सब को मिक्स कर सारापर एम कभर करके गोटे रु दुई मिनिट पर्यंत भल भाव कसी नबा मझे मझे आप कभर करके घाटी नौते ना तलु पोड़ जापे ये देखते पखापाखि दुई रु तीन मिनिट पर्यंत मसला को कसला ये देखो मसलारू तेल गुड़ाक बाहर को रिलीज होगा स्टार्ट मसलारू गोटे बहुत बढ़िया बास्ना आसूची तो ये स्टेज रे कौन करवा ना भाजिकी रखि सब पर देद ये आम सब पर दबा कि पनीर को आम पछरे आड करवा तो पर सबको दे सारे मसला सहित पर हाल्का टिके मिक्स कर नापर एमेंद गोटे चामच करी पाउडर आम बिलकुल ये बिना पिज रसुण आ जदि आप करी पाउडर को घरे बनवा चाहूँगी तेज मो चेल अलरेडी करी पाउडर रेसीपि पढ़ी सारी मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक दे देबे आपन सेटू जाई चेक करि परिबे एबे आमे याको बहुत भल भाव मिक्स करि नबा तापर आमे याको कभर करके ए परिबा आ मसाला को पाखापाखि दुई रु तीन मिनिट पर्यंत बहुत भल भाव कसी नबा एटी देखंतु लो फ्लेम रे दुई रु तीन मिनिट परिबा को कसला परे परिबा आमर बहुत भल भाव कसी हि जाईची परिबा आमर एमती भल भाव कसी हि गला परे एबे इतरा आमे भाजी के रखितिबा पनीर को दे दबा आ पनीर दे सारापर बास पर सहित पनीर को आम हाल्का टिके मिक्स कर नवा पनीर को बहुत भल भाव मिक्स कर सारापर एमें आवश्यक अनुजाई पा देद तो ये अध लिटर पखापाखि पा गोटे ग्लास पा देदेगी पा दे सारापर या पुणी थे भल भाव मिक्स कर नवापर एमें कभर करके मीडियम फ्लेम पखापाखि पांच रु छ मिनिट फुटापी छाड़द ये देखो पखापाखि पांच रु छ मिनिट पर कभर काढ़ी चेक कर तो ये देखते आम भेज मिक्स तरकारी में कितने सुंदर कलर आसी जाइए तो ये देखो पर गुड़ाक भी आम बहुत भल भाव सीझी जा बिलकुल परफेक्ट बनीगला तो ये आपश्चित लगुव जो ये बेस पा रही जाइए कि बिलकुल भी ना ये तरकारी आम थंडा हो गला झोलटा बढ़िया होब तो यही स्टेज में आम किसी फ्रेश धनिया पत्र को एकदम छोट छोट काटिकी सहित अध छोट चमच देद आम गरम मसला बस ये सब जिनस को आम टे बहुत भल भाव मिक्स कर नवा तापर आम गैस फ्लेम को अफ करके या कभर करके पखापाखि पांच रु दस मिनिटे थंडा हाँपी छाड़द बास भेज मिक्स तरकारी आम बनिकी रेडी जाइए आपश्चित देखिपे तरकारी आम थंडा हो गला यार ग्रेर कनसीस्टेन्सी बिलकुल परफेक्ट बनी जा तेबे आशा करूँगी आज रेसीपीटी आपण मानक निश्चिंत पसंद आसी पसंद आसे वीडियो को लाइक शेयर करने को बिल्कुल भी भूलिबे नहीं आउ आज रेसीपीटी आपण मानक केमती लगला मत मो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर निश्चिंत जनातु तेबे आज रही बाय पुणी देखा आउ एक नुआ रेसीपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।